गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग। आज हमारी शुरुआत हुई है डे नंबर टू और आज हम निकले हैं सूरत देखने। अबे मेरी सूरत नहीं, सूरत शहर देखने निकले हैं यार। दोस्तों मार्केट घूमेंगे, विजय के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं, अपना साड़ी मार्केट जाएंगे और दमस बीच भी हो सकता है, हमें समय मिला तो वहां पे भी घूम कर आएंगे। भूतिया बीच बोलते हैं, भूतिया। मुझे सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं भाई? पहले तो हम जा रहे हैं अपने भाई के यहाँ, मेरा कजन है यहाँ पे सूरत से, उसका जा रहे हैं और वो यहाँ लगभग 25-30 साल पहले आए थे यहाँ और आज सो एस्टैब्लिश्ड है, वेल एस्टैब्लिश्ड। क्या नाम है भैया का? मदन लाल खुराना। भाई अब हम आ गए हैं खुराना भैया के घर पे, हमारा नाश्ता पानी यही होने वाला है और वो भी गुजराती नाश्ता होने वाला है आज। अभी हम लिफ्ट के अंदर हैं और बहुत जोरों की भूख लगी है और नाश्ता तैयार है, चलो भाई। ये सब अपने मुजफ्फर बड़े भैया है मेरे, शॉप के सामने वाली शॉप के भैया की। अच्छा, आप भी आप दोनों भाई हैं और ये पूरा फ्लोर पे जो है 3 फ्लोर इन्हीं के हैं, छोटा भाई उससे बड़ा भाई फिर उससे बड़ा भाई और ये टेरिस भी इन्हीं के पास है। ये खमनी है, बहुत ही स्वादिष्ट। महाराष्ट्र में इसको ढोकला बोलते हैं, बट क्या बोलते हैं भाई साहब यहाँ पे? खमन। यहाँ पे इसको खमन बोलते हैं। और ये जो सफेद वाला है ईदड़ा। सफेद वाला ईदड़ा, ये सफेद वाला है ईदड़ा। हाथ से उठा के देखो, ये देखिए। और ये जो पीला पीला है पातोड़ी। ये पातोड़ी पातोड़ी पातोड़ी। और ये हरा पतोड़ पात्रा पात्रा पात्रा, हमारा इसको बोलते हैं पतोड़। ये बोलते हैं अपने, ये अरबी के पत्तों से बनता है। और ये जो है अपना येलो, ये किससे बनता है? बेसन से। अच्छा, ये बेसन का है। सूरत ना जम्मण और काशी ना मरण। सूरत ना जम्मण और काशी ना मरण, मतलब सूरत का जो खाना है वो नंबर वन है जमण, और मरण मतलब काशी में मोक्ष के लिए माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है 70-75 साल की उम्र का, वो चाहता है कि मेरा मोक्ष काशी में हो, इसलिए वह व्यक्ति वहाँ एक कमरा लेके रहना पसंद करता है कि मैं ऊपर जाऊँ भगवान के पास तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। मतलब मोक्ष मिले तो काशी में मिले और खाना खाने की शुरुआत हो, सफर की जीवन की शुरुआत हो तो सूरत से। हमारी भी शुरुआत जो है वो सूरत से ही हो रही है, हो चुकी है। दोस्तों अब हमारा नाश्ता हो चुका है, पेट कुछ ज्यादा ही भर गया है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा डायमंड मार्केट और कोशिश करेंगे, यहाँ पे आर्टिफिशियल डायमंड की भी एक फैक्ट्री है वो भी आप लोगों को दिखाने की, मिलते हैं वहां पर। मुझे नाश्ता तो बहुत बढ़िया था यार, कमाल था यार। वो खोमड़ी जो थी, खोमड़ी भाई मैंने तो पहली बार ट्राई की है सेल डाल के। हाँ अभी तो हमें बहुत जगह अलग अलग खाना खाना है भाई, ये थोड़ा एक गुजरात में भी अलग अलग तरह का फूड है, उसके बाद राजस्थान में है, हर जगह का अलग अलग। बट भाई अपने को थोड़ा सा वर्कआउट भी देखना पड़ेगा विजय। अरे हाँ वर्कआउट यार, नहीं ऐसे ना दोनों तोंदू बन के निकले यहाँ से। दोस्तों पुरानी कहावत है डायमंड्स आर फॉरएवर और हम लोग आ गए हैं डायमंड सिटी में। सूरत की डायमंड सिटी में, ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है हीरों की। अब मेरा तो इंटरेस्ट ये है कि मैं खुद ज्वेलर का बेटा हूं तो अब अंदर जाकर देखूंगा कि कितने कितने कैरेट के कैसे कैसे डायमंड है, क्या वैरायटी है, तो मैं खुद अपने शोरूम पे डायमंड की भी सेल करता हूं, तो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटेड हो रहा है। एक्साइटेड हो रहा है ना, घर पे बताए तो नहीं, अगर बीवियों को आइडिया लग गया तो सोच ले बिक जाएगी। मैंने कहा तो था, सच्ची बात तो ये है। गौरी का और त्रिगो यार, गौरी का फोन। क्या बात है, कैसे फोन आया? हाँ बेबी। यस हाय, तुम सूरत की डायमंड मार्केट पहुंच गए ना? हाँ हाँ। ओके, मेरी छोटी सी लिस्ट है, छोटी सी। देखो परि
रेगुलर मायरा के लिए डायमंड की इयररिंग चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं, पहने तो पता चलना चाहिए कि डायमंड है कहाँ। ओके, और मेरे लिए एक हाथ की इयररिंग, हाँ 6 डायमंड की चूड़िया, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डायमंड भी टू मच हो जाता है। ओके, और अगर 2-3 कैरेट कोई तुमको अच्छा सा क्लीन कट डायमंड मिले तो वो उठा लेना, बाकी तुम अपनी तरफ से ऐड कर ही दोगे, मुझे पता है सब कुछ। क्या मैं बोलूं, तुम कुछ ना कुछ तो लोगे ही ना हमारे लिए। बेबी देखता हूँ वो। हाँ लीना कैसी हो? पहुंच गए डायमंड मार्केट। चलो मेरी भी लिस्ट तैयार है, 2 जोड़ी कंगन ले लेना, 1 डायमंड का सेट, टॉप्स ले लेना, 2-3 रिंग्स ले लेना डायमंड की, और नोज पिन भी ले लेना, आजकल बहुत ट्रेंड में है डायमंड की। अरे हेलो हेलो, नेट पे नहीं आ रहा है। अरे 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 कनेक्शन जा रहा है, ऑफ कर दे, ऑफ कर दिया यार, कर दिया, वरना सूरत में पोछे मारने पड़ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, अरे घंटिया बज रही है, उठाना नहीं उठाना नहीं उठाना नहीं, तो काटो काटो फोन, काटो और फोन ऑफ रखो, नहीं तो यहीं बिक कर जाएंगे दोस्तों। चलो अभी चलते हैं डायमंड मार्केट में। दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया डायमंड्स आर फॉरएवर, और अब हम उस जगह पर आए हैं जहां पर डायमंड्स आर फॉर एवरीवन। इसको बोलते हैं सीबीटी, सीबीडी, लैब ग्रोन डायमंड्स, सीबीडी। तो बताइए जरा हमारी ऑडियंस को। सो बेसिकली आज तक हम सुनते आ रहे थे डायमंड सबके लिए फॉरएवर है, प्यार की निशानी है, ये है ऐसा है, पर अब ये प्यार की निशानी सबके लिए होगी। ये सारा का सारा ग्रोइंग होता है चेंबर में, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 25-30 डेज इसका प्रोसेस होता है, और इट इज एग्जैक्टली लाइक अ रियल डायमंड, एंड देयर आर नो चेंजेस टू इट, केमिकल कंपोजिशन। मतलब भाई बता भी नहीं सकते हैं असली में और इसमें फर्क होगा। मतलब हम अपनी बीवी को दें तो वो पहचान नहीं पाएगी? बिल्कुल नहीं पहचानेगी। अरे तो ले लेते हैं। और ये इसको इन अ वे आप बोल लीजिए कि ये डायमंड की खेती होती है यहाँ पर। एग्जैक्ट, मशीन में क्रिएट किया जाता है, और कितने दिन में बन जाता है डायमंड? 28-30 दिन। 28-30 दिन में। और क्या है कि जहाँ हम 2-3 कैरेट का कितने तक का ओरिजिनल पड़ता है? 7-8 लाख। और ये कितने का पड़ेगा? ये 50-60 हजार। फर्क देखिए, 7-8 लाख का 2-3 कैरेट का डायमंड पड़ता है जो ओरिजिनल होता है, और ये 50-60 हजार। 50-60 हजार में 2-3 कैरेट का डायमंड आपको मिल सकता है, और हर लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं भाई। तो औरतें घर पे कहाँ बैठे हो, आ जाओ टूट पड़ो। ये मशीन तो देखते हैं, ये मशीन दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मशीन अच्छी लग रही है। तो ये डिजिटल प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा चेंबर है इसको बोलते हैं। उसमें कैसे देखते हैं? मैं इसमें सारा यहाँ पे आप देखिए, बढ़िया पिंकिश जो कलर है, इसका कलर भी, मतलब कलर चेंज होता रहता है। अच्छा, विद टाइम प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कलर चेंज होता रहेगा। तो उसमें एक्चुअल कैसे पता चलता है कि कौन से कलर का डायमंड हम लोगों को मिलेगा? ये क्लैरिटी और जो हमारी रेसिपी डाली हुई हमने, इसकी अच्छा। एक रेसिपी होती है स्पेसिफिक, क्या गैसेस डालनी होती है, क्या कंपोजिशन होना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए। भाइयों खेती है, इनकी सारी खेती में क्या मटेरियल डालना वो सब मामला है इसमें। अभी अंदर 950 डिग्री है। अच्छा, इसके अंदर जो तापमान है वो 950 डिग्री है। अब इसको टच करो आपको लगेगा भी नहीं कि 950, पूरा ठंडा अंदर 950 डिग्री। एट द सेम पॉइंट पूरा जो प्रोसेस है ये ठंडा गर्म दोनों चलता रहता है साथ में। अच्छा ओके, देखो दोस्तों अब इन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबको दे दी है, अब चॉइसेस आपकी है। एंड थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब हम आ गए हैं डायमंड फैक्ट्री के अंदर, और ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं प्रकाश भाई, जिनकी फैक्ट्री है, ये हमें बताएंगे डायमंड्स के बारे में। अभी मेरे यहाँ पे डायमंड है, जो रॉ मटेरियल जो अपने कहते हैं वो रॉ मटेरियल है ये, और इस रॉ मटेरियल को अपने तराशने के बाद में ये फिनिश गुड्स हैं। इसका जो प्रोसेस होता है फ्रॉम द रॉ मटेरियल, इसको हम लोग लेजर वर्क में लेते हैं, तो एक शेप देते हैं, शेप देने के बाद में इसको हम लोग तराशते हैं। अब आप समझ रहे हैं मेहनत कितनी जाती है एक डायमंड के चक्कर में, कितनी मेहनत। अब दिखाते हैं प्रोसेस, आइए सर। क्या बात है, डायमंड कोई भी डायमंड हो पूरा का पूरा मैनुअल वर्क होता है। मैनुअल वर्क के अंदर ये जो प्रोसेस है, ये प्लेट के ऊपर हीरा घसना पड़ता है। अब ये प्लेट विदाउट स्पिंडल हो सकता है और विद स्पिंडल हो सकता है। भैया मुझे ये बताओ 5-6 कैरेट का डायमंड कितने तक का पड़ेगा? 5-6 कैरेट का डायमंड ये जाएगा करोड़ों में। कितने करोड़ों में? लगभग 2.5-3 करोड़ रुपया। सुन रहे हो, जितनी महिलाएं बैठी है 2.5-3 करोड़, ज्यादा भी हो सकता है।
और फिर जैसे जैसे साइज होता है डायमंड का कैटेगरी होता है फोर चीज, कैरेट, कलर, क्लियरिटी एंड कैरेट है। ये फोर चीज से पूरा डायमंड का वैल्यूएशन होता है। जितना अच्छा कलर होगा, जितना अच्छा क्लियरिटी होगी, जितना अच्छा कैरेट होगा, उसके उतनी उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब 5 कैरेट का एक हीरा अगर आपने देखते हैं वो 5,000 रुपये भी में मिल सकता है और 5 करोड़ रुपये भी लग सकता। डायमंड डजंट हैव अ वैल्यू, इट हैज अ वैल्यू ओनली इफ योर आईज स्पीक्स। अनमोल, इसीलिए डायमंड को अनमोल बोला जाता है, जिसका कोई मूल्य नहीं। चलो भैया बहुत मजा आ गया, आपने हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और उससे ज्यादा जो इन्होंने हमें गिफ्ट दिया मुझे और विजय को, उससे तो मान हम दोनों की बीवियां इतनी खुश होने वाली है। ये देखो भैया ने हमें ये गिफ्ट दिया है, इतने बड़े बड़े हीरे दिए हैं, अब हमारी बीवियां तो खुश हो ही जाएंगी। अब विजय बॉम्बे वापस चले क्या? अरे आया बेचने के लिए। चलो थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू भैया। दोस्तों ये है यहाँ का टेक्सटाइल मार्केट, बल्क में कपड़े यहीं से जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया, इवन विदेशों में भी। चलो अभी किसी शॉप में चलते हैं। आ जाओ विजय। नमस्कार भाई साहब। विजय वर्मा। यश भाइयों, ये है हमारे दोस्त मित्र जयदेव, इनका ये होलसेल का धंधा है यहाँ पर, और सूरत में यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मोस्टली यहाँ पे होलसेल का ही धंधा ज्यादा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपका क्या है? आप बाकी बहुत सारी शॉप्स हैं जो विदेशों में भी जाता है कपड़ा, कुछ मुंबई जाता होगा। हैंडमेड हमारे उधर नॉर्थ में जो हैंडमेड सूट होते हैं ना, उसमें एम्ब्रॉयडरी होती है और बहुत सारे काम होते हैं हाथ से, वो सब काम यहाँ होता है, यहाँ से होकर फिर उधर जाता है। तो मुझे क्या लगता है तेरे को, एक दुकान हम भी खोल लेंगे? यार मेरे हिसाब से तो कुछ सूट हमें भी लेने चाहिए। हमें हमें अपने लिए, तेरे को अपने लिए नहीं भाई, अपनी बीवी के लिए। अरे अरे ये हरीश क्या कर रहा है? अरे हरीश क्या कर रहा है? कपड़े ले रहा हूँ। ले जाओ ले जाओ। अरे लेकिन किसके लिए? अपने घर के लिए, मेरे और इसके, एक भाई से पकड़े। अरे अरे पैसे कौन देगा हरीश? आप दोगे, आप प्रोड्यूसर हो। अरे अरे लूटो, अरे हरीश, अरे कट कट कट। दोस्तों अब हमारे दूसरे दिन की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, रात हो चुकी है, हम अपने जिस जगह रुके हैं उधर जा रहे हैं और बहुत थक चुके हैं, सिर्फ जाके बिस्तर पर गिर के लुढ़कने वाले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यार आपको जो एनर्जी आई हमारे अंदर, मात की जय। Funky Dog! Funky Dog! Funky Dog!